देश के आम नागरिकों के लिए आज एक बड़ी ही अच्छी खबर आई। महंगाई की मार झेल रही आम जनता को फौरी तौर पर यानी तुरंत तौर पर राहत मिलने वाली है। आज ही सितंबर महीने में थोक महंगाई जहां डबल डिजिट यानी दोहरे अंक में थी, वह अक्टूबर में गिरकर एक अंक में आ गई है। अक्टूबर में थोक मूल्य सूचकांक यानी थोक महंगाई दर 10.7% से घटकर 8.39% पर आ गया है। अब बात पेट्रोल डीजल की हो जाए, लगता है आम जनता को तो पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से अब जल्द छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आने वाला है। हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में लाने की तैयारी कर रही है। पेट्रोल प्राइसेस इन 2010 और डीजल प्राइसेस इन 2014। पेट्रोल प्राइस और डीजल प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के लिए वी आर 85% डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स। तो आप इंटरनेशनल प्राइस देखिए, इंटरनेशनल प्राइस देखिए, उसके साथ यू ऐड द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड फ्रेट एंड यू ऐड टू दैट द रिफाइनिंग मार्जिन एंड डीलर्स कमीशन, तो यू विल गेट द प्राइस। बट इन बिटवीन फैक्टर इन द टैक्सेस विच द स्टेट गवर्नमेंट चार्ज, वैट विच इज अ परसेंटेज ऑफ द फिगर, एंड द एक्साइज विच द सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज। अब मुझे थोड़ी सी आपके क्वेश्चन के साथ हैरानगी है कि कब कम होंगी। आप आए, जहां मैं जाता हूं मेरे को मैं प्रशंसा सुनता हूं कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस यहां पे हैं और हमारे यहां स्टेबल है। स्टेबल कैसे हैं कि दो इंस्टेंसेस में, एक नवंबर 2021 और मई 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया कि जो सेंट्रल एक्साइज है वो उसमें हमने कम कर दी और सेंट्रल एक्साइज कर दी, और जो बीजेपी रूल स्टेट्स थे, ठीक है, उन्होंने भी अपना वैट कम कर दिया। कुछ ऐसे स्टेट्स थे जो, अब मैं पॉलिटिकल इश्यू पे नहीं जा रहा, जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट थे उन्होंने अपना नहीं किया। तो अब आप सोच रहे होंगे कि केंद्र सरकार अब तक किस बात के लिए रुकी हुई थी, यानी अब देर किस बात की है? तो जनाब, इसमें सबसे बड़ी अड़चन यानी रुकावट जो है वो है राज्य सरकारें, क्योंकि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकारों की सहमति जरूरी है, तभी केंद्र सरकार इस पर आगे फैसला ले सकती है। आपको बता दें, राज्य सरकारें कभी भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने देना नहीं चाहती, क्योंकि राज्यों की कमाई का मेन सोर्स शराब और पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाला टैक्स होता है, और राज्य सरकारें वो अपने हाथ से जाने नहीं देंगी। अब इसका गणित समझ लीजिए, अगर राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाएंगी तो इसको जीएसटी का सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब यानी 28% के ब्रैकेट में डालना होगा। इससे राज्य की कमाई बहुत ज्यादा घट जाएगी, क्योंकि अभी पेट्रोल और डीजल पर 28% से कहीं ज्यादा टैक्स लगता है। अब पेट्रोल और डीजल के दामों पर नजर डालिए और समझिए कि कैसे पेट्रोल की कीमतें तय होती हैं। दिल्ली में पेट्रोल अगर 1 नवंबर को 96.72 रुपये प्रति लीटर है, तो इसमें कैसे ये पैसा जुड़ा है वो समझिए। पेट्रोल का बेस प्राइस होता है 57.16 रुपये प्रति लीटर, इसमें फ्रेट चार्ज जुड़ा 20 पैसे प्रति लीटर। इन दोनों दामों को मिलाकर जो कीमत तय होती है, उसी कीमत पर पेट्रोल डीलर्स को दिया जाता है, यानी 57.16 रुपये प्रति लीटर प्लस 20 पैसे प्रति लीटर को जोड़ दें तो रकम होती है 57.36 रुपये प्रति लीटर। अब जैसे ही पेट्रोल डीलर के पास आता है तो इस पर एक्साइज ड्यूटी जोड़ दी जाती है, यानी पेट्रोल का बेस प्राइस 57.16 रुपये प्रति लीटर, फ्रेट चार्ज 20 पैसे प्रति लीटर, डीलर को मिला पेट्रोल 57.36 रुपये प्रति लीटर में, एक्साइज ड्यूटी जुड़ी 19.90 रुपये प्रति लीटर, डीलर का कमीशन जोड़ दिया गया 3.75 रुपये प्रति लीटर, वैट ऑन डीलर कमीशन जो रहा वो रहा 15.71 रुपये प्रति लीटर, और टोटल जो लास्ट में रिटेल प्राइस आया जो आपको और हमें जिस पे पेट्रोल मिलता है वो हुआ 96.72 रुपये प्रति लीटर, यानी इसमें कई तरह के चार्जेस लगा दिए गए, तब जाकर आपको पेट्रोल मिलेगा। सही मायने में कहें तो 57 रुपये का पेट्रोल आपके पास आते आते 97 रुपये का हो जाता है, यानी सीधे तौर पर 40 रुपये का इजाफा बेस प्राइस से हो जाता है। अब अगर यही पेट्रोल जीएसटी के दायरे में आ गया तो इसका गणित समझ लीजिए, अगर राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आएं तो जीएसटी के सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में इन दोनों तेलों को रखेंगी,
यानी 28% की टैक्स स्लैब पे। तब पेट्रोल का क्या दाम होगा ये भी समझ लीजिए। बेस प्राइस और फ्रेट चार्ज को जोड़कर अगर पेट्रोल की कीमत 57.16 रुपये प्रति लीटर आएगी तब इस पर जीएसटी का 28% टैक्स लगेगा। जैसे ही 57.16 रुपये प्रति लीटर पर 28% जीएसटी लगेगा तो कीमत हो जाएगी 57.16 रुपये प्लस 16.48 रुपये यानी 73.16 रुपये प्रति लीटर। फिर इसमें अगर औसत डीलर कमीशन को जोड़ा जाएगा तो कीमत जो जुड़ेगी वो होगी 3.75 रुपये प्रति लीटर। ये कीमत हो गई 73.16 रुपये प्रति लीटर प्लस 3.75 रुपये प्रति लीटर यानी 76.91 रुपये प्रति लीटर। तो आप समझ जाइए कि जो पेट्रोल आपको अभी 96.72 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है वो जीएसटी के अंदर आते ही 76.91 रुपये प्रति लीटर में मिलने लगेगा, यानी सीधे सीधे आपको पेट्रोल पर कम से कम 20 रुपये की बचत हो जाएगी। तो अगर हरदीप सिंह पुरी की बात सच हुई और तमाम राज्य सरकारें पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ले आती हैं तो जनता को महंगाई से फौरी तौर पर ही राहत मिल जाएगी।